साहब, ऑफिसर, कैप्टन रणवीर का कुछ पता चला? अभी तो नहीं चला, पर हम लोग इसे ढूंढ रहे हैं। अगर हमारे हत्थे चढ़ गया तो समझो गया, लेकिन आप अगर इसे समझा सके तो शायद इसकी जान बच जाए। आप किसी गलतफहमी का शिकार हो गए ऑफिसर। मैं ना उसे समझाने आया हूं ना बचाने, ना तुम लोगों को उससे बचाने आया हूं। That's the car. Let's go. We have only 2 minutes. We have to be fast. Okay. Get out of the car. Get out. Let's go. करना वाली है तुसी 2 महीने तो गुरु दे द्वार आ रहे हो पुत्र जी, फिर भी निराश? ऐसी निराशा ते मैं किसी होर दे चेहरे ते नहीं देखी। अकेले पड़ गई हूँ, कोई साथ नहीं दे रहा। मुझे लगा ये मेरी मदद करेंगे, लेकिन लगता है जैसे इनके लिए मैं हुई नहीं। ना पुत्र, इंज नहीं कहीदा। साडे बाबा जी हर एक दी अरदास सुनदे ने निस्वार्थ भाव नाल। उन्हां दे दरबार विच फैसले मंगण वालिआं दे हक च हुंदे ने। इक वार पुत्र, सिर्फ इक वार अपनी निराशा नूं हटा के वेख, जरूर बाबा जी ने तेरे लिए किसी ना किसी को चुना होगा। सिंह के इस ऑपरेशन में 3 लोग मारे गए। Any explanation? Sir, as per training under army rule, no collateral damage. वो तीनों टेररिस्ट थे, सिविलियन नहीं। फौजी, ये हमारा इलाका है। तुम्हारी गोली से ज्यादा हमारे पत्थर ताकतवर हैं। यहां तक तो ठीक था सर, पर वो करने की क्या जरूरत थी? ह्यूमन राइट्स का वायलेशन है ये सर। तो
समीर अफगानी को ह्यूमन शील्ड बनाकर बाहर निकाला है। पत्थर मारने पे इंसान को मार देना, ये कौन सा रूल है? पत्थर तक ठीक था सर, उन्हें तिरंगा नहीं जलाना चाहिए था। सर, इस ऑपरेशन में जो डीएसपी इसके साथ था, हमने उसको सस्पेंड कर दिया है। अब आप फैसला लीजिए सर। रंजीत। सर, कैप्टन रणवीर प्रताप सिंह, मैंने भी अपना डिसीजन ले लिया है। आप पूरे बैटल ऑर्डर के साथ मुझे ट्रेनिंग फील्ड पर मिलेंगे और मेरे आने के पहले आपके 25 किलोमीटर का मार्च खत्म हो जाना चाहिए। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ब्रेक अप। जय हिंद सर। सर, आज तो कर्नल साहब ने तुझे सस्पेंड होने से बचा लिया, मजा आया। अच्छा, तेरा फोन बज बज के पागल हो रहा है यार, चेक कर ले। हम बंदूक लेकर भी पत्थर खाते हैं, और करे क्या साला, है भी तो अपने। हाय रोनी, नेहा, 4 साल बाद फोन कर रही हूँ। नॉट श्योर कि तुम यही नंबर यूज कर रहे हो या नहीं, बट इफ यू आर देन प्लीज कॉल मी ऑन 989-223-583। नहीं रोनी, इस लड़की की बातों में मत आ। मैं जानता हूं तुझ पे क्या गुजरी है, इतने वक्त से कोई कांटेक्ट नहीं, अब अचानक वो फोन करेगी और पता नहीं क्या चाहती है। इंक्वायरी से बचाया और आज छुट्टी चाहिए तुम्हें। यस सर। क्यों जाना है? पर्सनल काम है सर। आई होप यू अंडरस्टैंड किड, देयर इज नथिंग पर्सनल इन द आर्मी। 4 साल से छुट्टी नहीं ली है सर, बस 7 दिन चाहिए मुझे। 4 साल से इन पहाड़ों में पड़े हो, इंसानों के बीच रहने की आदत छूट गई होगी। एडजस्ट कर लूंगा सर। कमांडो, 7 दिन है तुम्हारे पास। 8वें दिन की पहली किरण, यूनिट, डायरेक, यूनिफॉर्म और मैं तुम्हारा इंतजार करेंगे। थैंक यू सर। जय हिंद। जय हिंद। रॉनी, अच्छा वो मिट्टम एंट्री मिलिट्री स्पोर्ट्स कोटा, राइट? यस, स्लैम बॉय चैंपियन। तो उसका क्या? उसका क्या? चल इधर आ, देख। ओह, इज दैट हिम? या, मुझे बास्केटबॉल लेके बैठा है। चल उसको फोन करते हैं। थैंक यू सो मच। कांग्रेट्स यार। आर यू मैड? यू कांट कॉल हिम, यू डोंट इवन नो हिम। दुखी, अब तो घोड़े पे बैठ के होगा दुखी। घोड़ा नहीं, घोड़ी आती है शादी में। कांग्रेचुलेशंस वीरे, या शादी में जरूर बुलाना। हे रॉनी, हाय हुजर। इतने फिट हो तुम, नाइस बाइसेप्स, कैसे बनाया? ब्राउन ब्रेड सैंडविच। ओ तेरी, चल चल चल। क्या मैं पूछ सकता हूँ मैं किससे बात कर रहा हूँ? बच गए। अच्छा, तो हम अपना नाम नहीं बताएंगे, तुम हमसे बात नहीं करोगे? अरे जब तक बताओगी नहीं, मैं बात कैसे करूँ? क्या बोलेगी? अच्छा, तो लड़की अपने बारे में बताने लगती है तो तुम उनसे बात करते हो? सुपर्ब। क्या उन लड़कियों में तुम दोनों अपने आप को गिन रही हो? मेरे बारे में कैसे? क्या कर रही है? ए मिस्टर माइकल जॉर्डन, अपना गेम ना बास्केटबॉल कोर्ट पे दिखाना, मुझ जैसी लड़कियों पे नहीं। शट अप। अरे पर फोन तो तुमने किया था। हेलो, फोन मैंने नहीं, मेरी फ्रेंड ने किया था। टोटो है तू। एंड बाय द वे, यू आर वेरी लकी कि तुम मुझसे बात कर रहे हो, वरना कोई लड़का मुझे आंख उठाकर देखता तक भी नहीं है। सो सैड यार, ऐसे क्यों? इतनी अगली हो क्या तुम? अगली? मेरी फोटो भी देखेगा तो गिर जाएगा। अच्छा चलो फिर ट्राई करते, गिराई दो। मतलब? Mm-hmm.
पुलिस है। गिर गया। आप बैठे रहो, मैं चली जाऊंगी। मुझे पता है। यू नो, मैं एक लड़के से मिला, शेखर नाम है उसका, वेरी प्रॉमिसिंग, तुमको मिलना चाहिए उससे। क्या हूँ कर रही हो क्या? Hey, मुझे तुमसे बात करनी है। I really like you. You know, तीन वजह होती है किसी को पसंद करने की। पहला मेंटल, पागलपन नहीं, तुम्हारी सोच। I mean, जैसे बाकी स्टूडेंट्स फेस्ट में मस्ती में बिजी रहते हैं, तुम क्रिएटिविटी में इन्वॉल्व रहती हो, एब्सोल्युटली फोकस्ड, नाइस। दूसरा इमोशनल, तुम्हारा मन। तुम्हारी फ्रेंड कॉलेज नहीं आ रही थी क्योंकि फीस के पैसे नहीं थे, तुमने उसकी फीस भरी और उससे कहा कि कॉलेज ने स्कॉलरशिप दिया। और तीसरा फिजिकल, तुम्हारी स्माइल, काश तुम भी देख सकती कितनी ब्यूटीफुल है। और ये जो तुम्हारे चेहरे पे ये जो डर और एंगर का जो कॉम्बिनेशन है ना, आई रियली लाइक इट। बट आई डोंट लाइक यू। अरे आप तो पापा होंगे इनके फिर। नमस्ते सर। नमस्ते, ऐसी होती है। नमस्ते, नाइस टू मीट यू सर। वैसे ये चेहरा याद रखना सर, क्योंकि दिखता रहेगा आपको। मैं चलता हूँ। नाइस कहा। ओह बाय द वे, आई एम रॉनी। स्टे अवे फ्रॉम दीस टाइप्स। चलो। Now you listen. मुझे भी तुम्हारी तीन चीजें बिल्कुल पसंद नहीं है। First, तुम बड़े arrogant हो। Second, दाद के सामने कुछ भी बोल रहे थे। And third, तुम मुझे follow कर रहे थे। I hate stalkers. वैसे एक चीज अच्छी लगी तुम्हारी, जो बोला बिंदास बोला। I like that. अगली बार कुछ बोलना हो तो नजदीक आओ। Updated है। तो इसका कोई updated version भी है क्या? क्या हुआ? डर लगता है। जब 17 साल की थी, एक लड़के से बोला, उसने मेरी बेस्ट फ्रेंड को जाके किस कर लिया। आई नो इट्स फनी। बचपन में माँ से कहती थी, वो भी गुजर गई। एक काम करते, फॉरगेट आई लव यू, कैंसिल। मतलब कहना जरूरी नहीं है, महसूस करना होता है। अब जैसे तुम्हारी माँ है नहीं, पर तुम उन्हें हमेशा महसूस करती हो, उसी तरह मैं चाहूंगा कि मेरा प्यार हमेशा महसूस करो। चाहे जिंदगी में कुछ भी हो जाए, मैं हमेशा तुम्हारे साथ दूंगा। हाय। हाय। तो कैसे हो? ये सब क्या हुआ? वो योगे नेहा। कितने बदल गए हो, बाल कटवा लिए? I'm the army now. पर स्लैम बॉल का क्या हुआ? You really loved it ना? 4 साल पहले बहुत कुछ छूट गया। So, married? No, I'm happy. What about you? Any kids? एक बेटी है। Wow. That's great. One happy family, huh? Yeah. 4 साल बाद तुम्हें मेरी याद आई। आई मीन, ऐसी क्या बात थी जो तुम फोन पे नहीं कह पाए?
I need your help. स्कूल का पहला दिन था, नहीं जाने की जिद कर रही थी वो, बहुत मनाने की बात मान गई। हम स्कूल एक घंटा लेट पहुंचे। स्कूल का फर्स्ट डे, रेडी? नो। क्यों? इतने सारे फ्रेंड्स बनेंगे, बड़ा मजा आएगा। नो। नो? यू नो मम्मा जब छोटी थी ना, उनका फर्स्ट डे था स्कूल में, तो वो भी बहुत डरी हुई थी, लेकिन फिर मम्मा के इतने सारे फ्रेंड्स बने कि वो रोज स्कूल जाने लगी। चलो क्या हुआ, सैड? अपने फेवरेट सॉफ्ट टॉय को हग करना है? यस, गो गेट इट, ये कम ऑन, टेक इट। हाय, टेक इट बैक माय डॉटर। एक पल में पूरी जिंदगी बदल गई। मुझे नहीं पता वो लोग क्या चाहते हैं। मेरी बेटी को ढूंढने में मेरी मदद करोगे? प्लीज स्टॉप। एक्सक्यूज मी, मुझे एक गाड़ी चाहिए। गोवा में दो ही चीज फेमस है मियां, नाके नाके पे बियर बार और गली गली में उस्मान लंगड़े की कार। छांट लो, लेकिन पहले आईडी और सिक्योरिटी। अरे मियाँ, आप तो पूरे देश की सिक्योरिटी निकले भाई। अरे है छोटो, अरे ठंडा ला रहे जल्दी। फौजी लोगों के लिए अपने दिल में बहुत रिस्पेक्ट है मियाँ, बहुत। वो क्या है ना मियाँ, हम गलीच लोग इधर एक दूसरे की जान ले लेते हैं, और एक आप लोग हैं जो देश की खातिर अपनी जान दे देते। और एक बात और, आप लोग कितना भी बूढ़ा हो जाओ लेकिन कहलाओगे जवान। हैं? गोवा कैसे आना हुआ? पर्सनल काम से। पर्सनल काम? मैं भी इधर पर्सनल काम से ही आया था 15 साल पहले, फिर मेरे को ये रशियन कटलेट मिल गई। ए मरियम, मरियम, यही है जो खाना बनाती, यही है जो बच्चे संभालती। उस्मान भाई, ठंडा। वो कुछ बोला नहीं, ऐसा निकल गया। छोटू, मुझे इस पोट्टे की खामोशी में टॉप लेवल का शोर सुनाई दे रहा। लाइफ में बहुत चीजों से गुजरा है बॉस। मैंने तो पूरी तरह हिम्मत हार दी थी, और फिर तुम्हारी याद आई। तुमने कहा था ना, You'll always be there for me. चाहे जिंदगी में कुछ भी हो जाए, मैं हमेशा तुम्हारे साथ दूंगा। आज मुझे तुम्हारी जरूरत है रॉनी। हमारा रिश्ता मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत पहलू है, जो सिर्फ अब याद बन के रह गया है। Shreya was everything for me. I need your help. पिछले 2 महीने में किसी ने मेरी मदद नहीं की है। I'm not selfish, I'm desperate, रॉनी। तुमने मेरी बेटी रिया को देखा है क्या? मैंने नहीं देखा मैडम। मेरी बेटी रिया को देखा क्या? We don't know. I don't know. Actually, I'm sorry. I have to take this call. But what about Shekhar? शेखर डिप्रेस हो गया है। रिया को लेकर आओ शेखर, मेरी बेटी कहाँ है? रिया कहाँ है? पुलिस? पुलिस? सर, सर, मेरे केस का क्या हो रहा है? मैडम, मेरे पास आपको देने के लिए कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। पिछले हफ्ते घर आई थी, कह रही थी कि मैडम 2 महीने से इन्वेस्टिगेशन कर रहे, कोई क्लू नहीं मिला, आपका केस बंद हो गया है। ये साइन कर लीजिए। नहीं, मैं उनसे बात कर सकता हूँ। मैडम की फाइल ले आ। अभी लाता हूं सर। बस आपका इंतजार कर रहे थे मैडम, उस दिन तो आपने साइन किया नहीं, अब साइन कर लो और केस क्लोज कर लेते हैं मैडम। ऐसे कैसे आप केस क्लोज कर सकते हो? 2 महीने इन्वेस्टिगेशन चली है, कुछ नहीं मिला। वैसे भी हमें तो कुछ मिलता ही नहीं है। यस सर। शाम तक भेज दूंगा सर। राइट सर। ए लाइब्रेरी में आए क्या? हाँ, कौन है तू? दोस्त। किस टाइप का दोस्त है मैडम? फैमिली फ्रेंड। क्या कहानी सुनाई है अपने फ्रेंड को? ये कहानी नहीं, सच्चाई है जो इन पे बीत रही है। इनकी बच्ची गायब है और आप लोग कुछ नहीं कर रहे हो? हवा से पैदा करूं क्या एविडेंस? बहुत भौंक रहा ये कुत्ता। काले कुत्ते को चुप करा, मैं हूं क्या?
होय सर। मैडम ऑफिशियली तो हम कुछ नहीं कर सकते, पर भगवान आपकी गोद जरूर भर देगा, कोशिश तो करिए। पीछे हट। ये भूल गया कि कहाँ है? मैंने कहा पीछे हट। रोक लो इसे वरना पटाने के चक्कर में पिट के जाएगा। तूने अगर आप यहाँ रहेंगे तो बात और बिगड़ जाएगी। लेकिन मेरे फ्रेंड अंदर है और हाथ उठाया है उसने मैडम, लेकिन सिचुएशन अभी कंट्रोल में है। कल सुबह उसे रिलीज कर देंगे, प्लीज आप जाइए। पक्का? जी पक्का। सर ये देखिए सर। कौन है बे तू? सर ये तो आर्मी वाला है। क्या? हाँ सर। पहले क्यों नहीं बताया बे? हाँ खामखा हमने तुझे इतना टॉर्चर किया। जो ये तेरा टॉर्चर है वो मेरा वार्म अप है। ए, ये तेरी सरहद नहीं है, मेरा एरिया है, यहाँ कोई नहीं आएगा तुझे बचाने, समझा? ए सुशील उठ उठ, डीआईजी साहब आए, जल्दी उठ उठ। रात को 2:30 बजे डीआईजी साहब आए, जल्दी चलो। अरे चलो जल्दी डीआईजी साहब आगे चलो। सुन वो रणवीर कपूर वो सर वो एक्टर, अरे कस्टडी में किसको लिया है? सर वो रणवीर प्रताप सिंह है। हाँ तो ठीक है लेके आओ। यस सर। सर डीआईजी साहब ने से बुलाया सर। डीआईजी साहब इस वक्त साठे खोले से लेके आ। तो तुम हो रणवीर प्रताप सिंह? जी सर। पता रणवीर मेरे बड़े भैया कहा करते थे कि भाई डॉक्टर बन जा, और मुझे जल्दी सोने की आदत, लो आधी रात को इमरजेंसी के लिए जगाया करेंगे, तो मैं डॉक्टर नहीं बना। अब हालत यह है कि ऐसे ऐसे लोग रात को जगाते हैं जिनका कोई इलाज ही नहीं हो सकता है ना। किस्मत वर्दी वाले होकर के वर्दी की इज्जत करना नहीं जानते? जानता हूं सर। पुलिस वाले पे हाथ क्यों उठाया? वो अपनी ड्यूटी भूल गया था, मैंने बस याद दिलाया। और भाई साहब आप कौन हैं?
भगवान I'm covered under Army Act 104, Section 475, CRPC. आप लोग की काम ऑफिसर को अरेस्ट नहीं कर सकते, ये शायद आप नहीं जानते। तुम आर्मी में हो और फिलहाल ऑफ ड्यूटी हो, और ऑफ ड्यूटी एक जवान सिविलियन होता है, इतना मैं जानता हूं। एक सेकंड। अरे भाई रंजीते। हाँ भाई। पहुंच गया यार। अरे नहीं पहुंच गया मैं। अरे भाई ये तुम्हारा जो कमांडो है ये मुझे आर्मी के एक्ट समझा रहा है। तेरे सामने खड़ा है, देख ले। नहीं तू 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 ही बात कर ले यार, तू बात कर। यो कर्नल। जय हिंद सर। जय हिंद। ये करने गया था गोवा। रोनी, कैन यू हियर मी? यस सर। शुक्र है कि डीआईजी शेरगन मेरा बैचमेट निकला, वरना वहीं लॉकअप में रहता सारी रात तू। सर, आई कैन एक्सप्लेन एवरीथिंग सर। यू बेटर एक्सप्लेन योरसेल्फ रोनी। कल सुबह 7 बजे ऑन बेस आई वांट अ फुल ब्लडी एक्सप्लेनेशन। डू यू हियर मी? यस सर। फेवरेट हो तुम उसके? वो कहावत सुनी है, एक सड़ा हुआ आम पूरी बेटी को बर्बाद कर देता है। क्यों कूते? चल 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 जाओ। सर लिसन यंग मैन, मेरे बड़े भैया कहते थे वंस अ सोल्जर विल ऑलवेज बी अ सोल्जर, नेक्स्ट टाइम बिहेव लाइक अ रिस्पॉन्सिबल वन। सोल्जर इतनी सुबह सुबह वापस जा रहे, बॉर्डर पे जंग छिड़ी क्या? ऐसा है तो बोलो। हाँ हाँ देखो मियाँ, जंग तो छिड़ चुकी है, बाहर नहीं तो तुम्हारे अंदर। लड़की का मसला है क्या? हाँ सही समझा, जब जंग दिल और दिमाग की हो ना मियाँ, तो हमेशा दिल की सुनो, क्योंकि दिमाग क्या होता तही, दिल क्या होता सही। श्रिया वाज एवरीथिंग फॉर मी, आई नीड योर हेल्प रोनी। रोनी मेरी बेटी को ढूंढने में मेरी मदद करोगे? चाहे जिंदगी में कुछ भी हो जाए मैं हमेशा तुम्हारे साथ दूंगा। उस्मान गाड़ी घुमा। हाँ गाड़ी घुमा, होटल चल। लगता है दिल ने दिमाग को ओवरटेक कर दिया। Yes, what can I do for you? Ma'am, 2 महीने पहले आपकी स्कूल की एक बच्ची किडनैप हुई थी। Kidnapping? कब? 7 फरवरी को। नहीं नहीं ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। You've got the wrong information. Ma'am, actually मेरी family friend ने मुझे बताया और एक पुलिस इन्वेस्टिगेशन भी हुई थी मेरे ख्याल से। नहीं बेटा यहाँ पे हुआ ही नहीं ऐसा कुछ। मैम ये रही उसकी फोटो, रिया नाम है, रिया सलगांवकर। Pretty child. लेकिन ये बच्ची हमारे स्कूल में है ही नहीं, तो कैसे किडनैपिंग हुआ यहाँ पे? यहाँ पे तो हुआ ही नहीं बेटा। कमाल की बात बोलिए शुक्ला जी। अच्छा जी हाँ बोलिए। हाँ शुक्ला जी आप एक मिनट। यस सर, 2 महीने पहले एक बच्ची किडनैप हुई, उसे गाड़ी से ले गए। तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ जी? आप कुछ जानते हैं उसके बारे में? तू है कौन? पुलिस वाला है क्या? फैमिली फ्रेंड हूँ सर, प्लीज। वॉचमैन जी सर, इस आदमी को बाहर निकालो, प्राइवेट प्रॉपर्टी इधर नहीं आना नेक्स्ट टाइम। चले जाइए सर, प्लीज सर, चले जाइए प्लीज। एक मिनट, ये अभी तक गया नहीं, कौन है? रोनी मेरी वजह से ये सब हुआ कल, आई एम रियली सॉरी। इट्स ओके नेहा, रिया की स्कूल गया था। नेहा प्रिंसिपल कह रहे थे कि ऐसे कुछ हुआ ही नहीं उनकी स्कूल में, और रिया की नाम से कोई लड़की है ही नहीं। वो तो कहेंगे ही ना, अपना नाम क्लियर रखना चाहते हैं इस केस से, बट आई डोंट ब्लेम हर, कोई भी ये करता। तुम लोग का किसी के साथ झगड़ा हुआ था फैमिली में, बिजनेस में, या कोई रैंसम कॉल आया? नहीं ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। शेखर का क्या कहना है इसके बारे में? मेरा हाल देखकर उसने अपने सारे जज्बातों को दबा दिया है। क्या मैं उसे बात कर सकता हूँ? शेखर हमारे तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं जानता है। तुम अपने अटैकर्स को पहचान सकती हो? उन्होंने मास्क पहने हुए थे। कोई तो रास्ता होगा। रोनी अगर मुझे कोई रास्ता पता होता तो मैं तुमसे की मदद मांगती। ओके मुझे रिया की और कुछ फोटोज चाहिए। नहीं है मेरे पास,
What do you mean? कहीं तो होंगे? सोशल मीडिया पे, फोन पे, दोस्तों के पास? फ्रेंड्स आर अ लग्जरी, सोशल मीडिया तो दूर की बात है। शेखर को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है। Yeah, you mean to tell me तुम्हारे घर में तुम्हारी बेटी की एक भी फोटो नहीं है? सनी, सनी, सर, क्या? क्या? शेखर का भाई, रोनी लव टू गो, रोनी जाओ यहाँ से। सनी शेखर का भाई देखेगा तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। प्लीज लीव। अभी बताओ तो सही। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड रोनी, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। प्लीज लीव राइट नाउ, प्लीज गो। भाभी, कोई है क्या? Is anybody home? नहीं, भैया ने कहा था आप पे नजर रखनी है। And you know I love checking you out. मजाक कर रहा हूं, मजाक कर रहा हूं। You know, कल रात रेव में थोड़ा एसिड किया, रशियन इजरायली म्यूजिक, 4 बजे तक सब हम बजते रहे, बजते रहे, बजते रहे, बजते रहे, बजते रहे। तुम्हें भी कभी ट्राई करना चाहिए। शेखर को पता चलेगा तो वो बहुत नाराज होंगे। अच्छा, क्या पता चलेगा शेखर को? अरे थोड़ा और वक्त बिता लेते हैं एक साथ। Shut up! नहीं? सनी, leave right now. All right. जा रहा हूँ। लेकिन फिर से आऊँगा। Who's that? मेरा देवर है, कंप्लीट एडिक्ट। शेखर को कुछ भी बोलो तो कहता है ही इज अ चाइल्ड। मुझे उसका नंबर और एड्रेस चाहिए। डोंट वरी, प्रॉब्लम सॉल्व करने आया हूं, बढ़ाने नहीं। एक्सक्यूज मी सर। यस, आप यही रहते हैं जी? क्यों? आप शेखर और उनकी वाइफ नेहा को जानते हैं? सलगावकर्स? यस। 6th फ्लोर जी। उनकी बेटी थी वो, आपने उनको कब लास्ट देखा था? उनकी एक बेटी भी है। एक्चुअली यहाँ पर 1 फ्लोर पर 1 अपार्टमेंट है, इसलिए हम एक दूसरे को कम ही जानते हैं। वैसे आप कौन? एक्सक्यूज मी। हाँ तो Hello. Is this Sunny Salgaonkar? I'm speaking. जी, 2 महीने पहले आपकी नीस किडनैप हुई थी, मुझे उसके बारे में बात करना है। तू कौन? पुलिस वाला है क्या? मैं लोकल न्यूज़ चैनल से बात कर रहा हूँ। तो क्या? मुझे आपकी स्टोरी कवर।
रानी, ओ यार मैं कब से पीछे खड़ा होकर सोच रहा हूँ कि कौन है कौन है कौन है। कैसा है तू? और ये क्या हुआ, तेरे बाल झड़ गए? मैं आर्मी में हूँ यार। अच्छा मतलब कटा दिए? या। और मैं कैसा लग रहा हूँ? तू भी बिल्कुल दूल्हा लग रहा है यार। ओए सही पहचाना यार, वो देख तेरे यार की शादी है। आराम से आराम से। वो देख कौन बैठी है? तेरी भाभी। अरे ये बस नहीं हुआ, ओए पुरानी जींस आ जाओ। क्या हाल है भाई, कैसे हो? क्या हाल है रोनी? माँ की शादी की साड़ी है, शादी कर ले। इससे ज्यादा प्यार में बर्दाश्त नहीं कर सकता। निया, तुम्हारे लिए फोन कौन? हेलो रोनी, आई हैव टू गो। निया, निया क्या हुआ? तुम यहीं रुको, मैं आती हूँ। अरे सुनो तो। एक्सक्यूज मी वन सेकेंड। निया मुझे फोन ऑन रखना, मुझे सब बातें सुननी है। ओके। स्टेज 4। इन लोगों को लग रहा था कुछ गड़बड़ तो है, लेकिन 6 महीने पहले डायग्नोस हो जाता तो शायद। Excuse me sir, your wallet. आप पहले भी आ चुके हैं ना? देखिए साहब, अगर आप फिर से आएंगे ना तो मैं पुलिस को। सलाम साहब। 2 महीने पहले किडनैपिंग हुई थी। नहीं साहब, इसके बारे में कुछ पता नहीं। इन कैमरास की फुटेज चेक करनी है। की फोटोज दिखा।
तीन घंटे की फुटेज मिसिंग है। पता नहीं सर ये कैसे गायब हो गई। और जिन तीन घंटे में किडनैपिंग हुई थी वही फुटेज गायब है, ऐसे कैसे हो सकता है? हाँ सर, एक दिन पुलिस आई थी तो बॉस ने हम लोगों को जल्दी घर भेज दिया था। उसके एक दिन पहले का फुटेज दिखा। तू जानता है मिसिंग फुटेज का है? सर अब ये सारी वीडियोस तो बॉस के केबिन में होती हैं सर। तो दिखाने का क्या लेगा? वक्त लगेगा सर, लेकिन काम कर दूंगा आपका। मिलते ही मुझे फौरन फोन करना। जी बिल्कुल सर, जरूर। ए साहब, ये चर्सी कौन है? ये हमारे नए एसीपी साहब है। अरे तो इसने ऐसा हाल क्यों बना रखा है? गुड मॉर्निंग सर। Morning. Welcome to Goa. Sharad Kute. Sharad Kut? Kute. Kute. Ah, Kute lamba karna padega. Nahi to bahut confusion ho jayega, nahi? Kale. Aur Kale ji. Hello sir, how are you? Maa baap ne naam bada soch samajh ke rakha hai na? Rane. Yes, yes, yes. Sari, aapka personal assistant Bosco. Oye, Bosco. Yes, sir. Tera pet kyun nikla hua re itna? Sorry, sir. Tu aisa kar ki kal se na सुबह 10 किलोमीटर मेरे साथ वॉक करना, ठीक है? ठीक है सर। ठीक है सर। बॉस्को, ये डिपार्टमेंट में लोग मेरे बारे में क्या बोलते हैं? कुछ नहीं सर। कुछ नहीं बोलते? कुछ नहीं बोलते। कुछ तो बोलते होंगे यार, बताना बताना। सर क्या है ना कि सब कहते हैं आप थोड़ा हटके हैं। हटेला बोलते हैं मुझे? नहीं सर। हटेला बोलते हैं मेरे को? नहीं सर। कौन बोलता है? तू बोलता है? सॉरी सर। तू बोलता है? ये लोग बोलते हैं? नहीं सर। कौन बोलता है? कोई नहीं सर। अमर बता। अरे बॉस को तू रो क्यों रहा है यार, मैं तो मजाक कर रहा था। चल तू जाके। आपको डीआईजी साहब ने बुलाया है। ये सीनियर लोग बिना हमेशा पकाते रहते हैं। सर कम इन कम इन कम इन। लोहा सिंह धुल उर्फ LSD, वेलकम टू गोवा। पंजाब पुलिस से आपके बारे में बड़ी अच्छी अच्छी खबर आ रही है। आइए बैठे बैठे। भाई नाम तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, तो इस हुलिया का क्या राज है? वो सर क्या कहते हैं ना, क्या अपना when in Rome be like the Romans, तो इसलिए चर्चियों के साथ रह रहे के थोड़ा चर्ची लगने लगा हूं। और कभी कभी सर एक आधा मारना भी पड़ता है। देखिए लेजी साहब, आपका काम बहुत सही है लेकिन तरीका बहुत गलत है। मेरा तरीका तो मेरी पहचान है सर, इसे तो जिंदा रहने दीजिए। LSD कल के ऑपरेशन में 3 लोग मारे गए। लोग मरेंगे नहीं तो सर आपके 65 एनकाउंटर्स का रिकॉर्ड कैसे टूटेगा? 55 सर वो तो सिर्फ ऑफिशियल थे। चोरों के साथ साथ पुलिस की भी जासूसी करने लगे। सॉरी सर। देखो LSD, जब तक काम के हो हम संभाल लेंगे, बस ख्याल रहे कि तुम्हारे इमेज तुम्हारे होलिये की तरह नहीं हो जाए। अगर मुझसे कुछ सीखना है तो बस इतना सीखिएगा कि नाम इतना साफ रहे कि 10 अनऑफिशियल एनकाउंटर भी माफ हो जाए, रिकॉर्ड भी टूटेगा और इज्जत भी बनी रहेगी। क्या बात है सर, क्या बात कही है सर। इसके ऊपर तो सर एक सेल्फी हो जाए ये यादगार बनाने के लिए। सर थोड़ा ऐसे करते हैं सर। ये खुद की ले रहे हो? दूंगा भी सर। रिजल्ट कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। आप चिंता मत करो सर, जैसे उड़ते पंजाब को जमीन पे ले आया वैसे डूबते हुए गोवा को भी किनारे पे पहुंचा दूंगा। ऑल द बेस्ट।
problem in Nas? I'm looking for a little girl. I don't know anything about small girl, but I can show the big girl. I don't know any real. I just want to know where's Ria. I don't know anything. Done. Hey, soldier. Wo Russians kaun the? Idhar. Ah, wo address pooch rahe mere se. एड्रेस बताने का कोई इतना पैसा देता है क्या? अरे भाई, अब होएगा कोई अमीर आदमी, अमीर टूरिस्ट होएगा ना, या मेरे को? सनी को जानता है ना तू? देख भाई, ये गोवा है, मैं भी थोड़ा बहुत ड्रग्स के मामले में इधर उधर हाथ घुमा लेता हूँ, हाँ? और बात मेरे तक आती ना, तो ये भी है मेरे पास। तू बहुत सीधा आदमी है। काहे को पड़ रहा है इन चक्करों? देख एक लंगड़े का सलाह ले, कोई भी कदम उठाए ना तो सोच समझ के। उस्मान कदम उठा चुका हूं, दो कुमार की पे आया हूं। ए, पागल हो रहा क्या तू? पागल हो रहा क्या? अरे तू दो को मारेगा उधर भी जाएगा। У него нет никакого ответа членов. Мы не дураки! Мы все понимаем! Доверьтесь мне, зачем мне вас обманывать? Слушай, сука, сюда! Next time you will be die! Let's go! It's my responsibility! Я чайе, я тебе реку. Я чайе! Кай кукар рае саб! Из бачи ко дуд рау мэн. До мэнэ пэрэ киднап хуи. Ту жанта иске баре мэ кахи дэкха эсэ. Кя дэх ра тэрэ ко идар? प्ले स्कूल खोला मैं, किंडरगार्टन खोल रखा क्या मैंने? इसको पहचानता है? नहीं पहचानता मैं। अरे भाई मत कर ये सब, फंस जाएगा, मत कर। फिकर हो रही मेरे को तेरी? फिकर हो रही है मेरी? उस्मान क्या चार दिन हुआ होगा तो मुझे जानता है, उस बच्ची की माँ को सालों से जानता हूँ। सोच मुझे कितनी फिकर हो रही होगी उनकी। Come on. Excuse me? Lucky. Sorry about last night. मैंने थोड़ी ज़्यादा ही पी ली थी. I hope ज़्यादा बोतल नहीं है. No, no, that's okay, that's okay. Now can I have my card back? Sorry, हम चेक नहीं किया, शायद गलती से उठा लिया तो. Actually, ऐसी mistakes हो जाती हैं. This is yours, and that is mine. तभी नहीं खुल रहा था। I know. Thank you. By the way, I'm Anand Tyagi, Lucknow Police. Captain Ranveer Pratap Singh. Nice to meet you. Oh, क्या बात है? मजा आएगा जब बैठेंगे तो भर्ती वाले साथ में। Army, Police. Come. तुम सुनाओ अपनी Army की और मैं सुनाता हूँ अपनी Police की, हाँ? You'll have to excuse me. थक चुका हूँ मैं। Yeah? Quick dinner करते हैं? खा चुका हूँ। तो Room service. Good evening, sir. Your dinner is here. वाओ, लगता है तुम्हें पुलिस वालों की कंपनी पसंद नहीं है। एनीवेज, गुड नाइट। सर, मैं प्रेस रिपोर्टर रिसेप्शन पे हूँ, फोटो लेने आया हूँ। न्यूज़पेपर पे आर्टिकल निकाल दिया? नहीं, क्योंकि इसमें जो रिवॉर्ड है ना, वही लोगों की ज़ुबान खोलेगा। पर शिखर आज वापस आ रहा है, उससे क्या कहूँगी? मेरे पास तुम्हारे हर सवाल का जवाब नहीं है। And trust me, इसी तरह हमें रिया के बारे में और इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ब्रदर, आज का न्यूज़पेपर पढ़ा? क्या? पेपर चेक कर जरा। नहीं,
इन्फॉर्मेशन चाहिए सर, इन्फॉर्मेशन। मेरे पास सब इन्फॉर्मेशन है, लेकिन पैसा कैश में मिलेगा कि चेक में? थैंक यू। हेलो, बस करो। अरे खाओ, बहुत बिजी हो कैप्टन साहब। सॉरी, बार बार पैसे फोन आ रहा है, क्या करूँ? अरे कोई जंग छिड़ गई क्या? बैठ जा भाई, खाना खा ले। एक सेकंड, देखिए अगर आपके पास कोई भी इन्फॉर्मेशन है तो पैसे मिलेंगे। सर मुझे पैसे नहीं चाहिए, आई जस्ट वांट टू नो कि मुझे मेरी बेटी मिल सकती है। ओके, आपका एड्रेस भेजता हूँ, वहां पे मिलते हैं अभी। त्यागी, 6 महीने पहले हम मुंबई गए थे, वहां जुहू बीच पे हमारी रिया खो गई थी। बहुत ढूंढा, कहीं नहीं मिली। पुलिस कंप्लेंट भी करवाई बट नो रिजल्ट्स। फिर एक पेपर में फोटो देखा। आप रिया को कैसे जानते हैं? क्यों ढूंढ रहे हैं आप रिया को? किसी भी फोटो में तुम क्यों नहीं हो? क्योंकि सारी फोटोज मैंने खींची थी। घर पर और भी फोटोज हैं जिनमें मैं हूं। इफ यू वांट आई कैन ब्रिंग देम। रिया तुम्हारी बेटी है? ऑफ कोर्स मेरी बेटी है। बता वरना तेरी घरवाली तुझे ढूंढेंगे। मेरे पास बर्थ सर्टिफिकेट भी है। What? ये देखिए, ये रहा बर्थ सर्टिफिकेट और ये रही मुंबई की FIR, ये रहा हॉस्पिटल का बिल और मेरी बेटी मुंबई में खोई थी। आप उसे गोवा में क्यों ढूंढ रहे हैं? जी हेलो, इंस्पेक्टर त्यागी। यस शेखर बोल रहा हूँ, नेहा सस्पेंड। क्या आपने पेपर में ऐड दिया रिया के मिसिंग का? हाँ। I want to meet you right now. Can you come to my office? I'm coming. On my way. Surya, please. अरे यार। जीन्स ब्लू शर्ट, त्यागी, लखनऊ पुलिस। लखनऊ का पुलिस वाला गोवा में, संभल कर रहना पड़ेगा। आनंद त्यागी, क्राइम ब्रांच। लखनऊ पुलिस यहाँ गोवा में कैसे? हम दोस्त की शादी के लिए आया हूँ। वैसे आपके कमिश्नर साहब मेरे सीनियर थे कॉलेज में, श्री शांत राव, आप जानते हैं उनको? या ऑफ कोर्स। ग्रेट, लेट्स टॉक टू हिम। शेखर कैसा है यार, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। बस सर आपकी याद आई तो फोन कर लिया। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। ओ अच्छा, बाय द वे आप किसी अनंत त्यागी को जानते हैं? त्यागी? लालकुआ पुलिस स्टेशन। या छुट्टी पे गया है। तुम्हारे गोवा गया है किसी की शादी में? जी मेरे सामने ही बैठे हैं, बात करेंगे उनसे। श्योर। ग्रेट। आपके लिए मिनिस्टर साहब का फोन। जी हेलो शेखर, आई विल कॉल यू बैक। लगता है बिजी सर, काटती है। आप नेहा को कैसे जानते हैं? एक रेस्टोरेंट में मुलाकात हुई, कॉमन फ्रेंड्स। उन्होंने कहा कि रिया मिसिंग है तो सोचा मदद कर लो। तभी आपने हमारे नेबर और श्रीवास्तव से बात की थी? जी एक्चुअली हाँ, नेहा मैम खुद कह रही थी कि कोई इन्फो नहीं मिल रही थी, तो सोचा पहले उनसे ही पूछ लो। मैं आज सुबह आया दुबई से और आते ही आपका ये ऐड देखा। आई वॉज क्वाइट शॉक्ड। एक्सक्यूज मी, शॉक्ड? मैं आपको कैसे बताऊं कि वी डोंट हैव अ डॉटर? व्हाट? यस, हमारी कोई बेटी नहीं है सर। लेकिन 7 फेब नेहा के साथ एक रॉबरी हुई, इट वॉज अ कार जैकिंग। उन्होंने उसके सिर पर मारा। शेखर 10 दिन तक कोमा में थी। नेहा, हाउ यू फीलिंग? थैंक गॉड तुम्हें होश आ गया। आई वाज सो टेंस्ड। शेखर रिया कहाँ है? कौन रिया? जब उसे होश आया, शी स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट सम चाइल्ड। लोगों से पूछने लगे कि हमारी रिया कहाँ है। सुनो, तुम लोगों ने रिया को कहीं देखा है क्या? नहीं,
आपने मेरी बेटी रिया को कहीं देखा? नहीं देखा मैंने। बिल्डिंग में खेलती थी, इधर ही कहीं। निया, क्या कर रही हो तुम यहाँ? और तभी एक लोकल पेपर में मिसिंग बच्चे का एड देख लिया। उन्हें फोन करके कहने लगी कि ये हमारी रिया है। बहुत अग्रेसिव रहने लगी। It was quite tough. Neha, please open the door. तुम सब पागल हो गए हो क्या? We have a daughter, Shekhar. Where is she? We don't have a daughter. We have a daughter, Shekhar. हमारी कोई बच्ची थी ही नहीं। She was diagnosed with PTSD. Post-traumatic stress disorder. This can't be what? Yes. Actually, we had a miscarriage. Neha हमेशा चाहती थी कि उसकी माँ हमारी बेटी बनकर वापस आए, because नेहा ने अपनी माँ को बचपन में ही खो दिया था, and then this accident changed everything. कब? I'll show you रिया की सारी फोटोज़ यार. See, एक भी फोटो नहीं. रिया की फोटोज़ कहाँ गई? सब यहीं पे तो थी. मेरी तुम्हारी रिया की, और यहाँ पे ड्रेसिंग टेबल हुआ करती थी उसकी फेवरेट ड्रेसेस. मैं कब से तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमारी कोई बेटी नहीं है. सारी फोटोज़ थी उसकी, कहाँ गई? Believe me, we don't have a daughter. कहाँ गई शिकर? Where is रिया? वो ये ट्रॉमा बर्दाश्त नहीं कर पाई और बात यहाँ तक बढ़ गई कि उसने पुलिस में मिसिंग बच्चे की एफआईआर तक करा दी। वो मैं अपनी बच्ची को स्कूल लेकर जा रही थी और अचानक से गाड़ी रुक गई और कुछ लोग निकले और दे टुक माय डॉटर। आई डोंट नो हाउ टू फाइंड हर, प्लीज हेल्प मी। पुलिस को सबसे पहले मुझ पर शक हुआ, लेकिन बाद में उनको रियलाइज हुआ कि वो लोग एक झूठ की तलाश कर रहे हैं, क्योंकि रियलिटी में तो रिया नाम की हमारी कोई बेटी है ही नहीं। ये सब इमेजिन कर रही है। आप तो पुलिस वाले, क्या आपको वो नॉर्मल लगी? रॉनी, वो योगी। नेहा, हाँ? क्या कहानी सुनाई है अपने फ्रेंड को? नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। You've got the wrong information. I'm sorry, शेखर। मिस्टर त्यागी, प्लीज फिर से कुछ ऐसा मत करना जिससे मेरी तकलीफ और बढ़ जाए। एज यू नो, हम ऑलरेडी डीलिंग विद अ लॉट। हाँ सर, मैं बंगले का वॉचमैन बोल रहा हूँ। सीसीटीवी फुटेज मिल गया, आप आ जाइए। फोन पे थी ना फेसबुक पे और ना ही तुम्हारे घर में। प्रिंसिपल ने भी कहा कि रिया नाम की कोई भी बच्ची स्कूल में नहीं पढ़ती। जब सनी का नंबर मांगा तुम देने से डर रही थी, और जब पेपर में ऐड डाला तो मुझे से सवाल पूछने लगी। शेखर के बारे में पूछा तो बात पलट दी। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन बंद कर दी क्योंकि तुम गलत हो। किसी ने तुम्हारी बेटी को नहीं देखा, पुलिस ने नहीं, प्रिंसिपल ने नहीं, कोई कुछ नहीं जानता। मैंने उस हादसे की फुटेज भी देखी है, उसमें भी तुम्हारे अलावा कोई नहीं। वो बैक सीट में छुप गई थी रॉनी, वो डर गई थी। वो तुम्हारी बेटी नहीं, तुम्हारी गाड़ी ले गए। मैं अभी शेखर से मिल कर आया हूँ, तुम्हारी कोई बेटी नहीं। प्लीज मेरा यकीन करो रॉनी। कैसे करूं यकीन? जिस बच्ची की फोटो दी तुमने मुझे, वो किसी और की बेटी निकली। सब सब झूठ बोल रहे रॉनी। और तुम, तुमने भी तो मुझे पूरा सच का बताया। कैसे बोलती मैं? हाँ कैसे बोलती मैं डर गई थी। अगर चार साल बाद अचानक से फोन करके कहती कि कोई यहाँ मेरा यकीन नहीं करता, सबको लगता है कि मैं पागल हूँ, तो तुम भी शायद वही मान लेते ना। अपनी आंखें बंद करो और देखो कौन दिखता है तुम्हें। मेरी बेटी है रिया, रिया है।
तुम्हारी मां का नाम क्या था? तुम्हारी मां का नाम क्या था? रिया। और उनके अलावा कोई रिया नहीं है तुम्हारी जिंदगी में। जिस रिया को तुमने खोया है वो तुम्हारी माँ थी, तुम्हारी बेटी नहीं। तुम्हारा मिसकैरेज हुआ था निया, नहीं, यू नेवर हैड अ चाइल्ड। यू नेवर हैड अ चाइल्ड। लीव निया, जस्ट लीव रॉनी। निया प्लीज, लीव मी अलोन, जस्ट लीव मी अलोन। को तुमने खोया है वो तुम्हारी माँ थी, तुम्हारी बेटी नहीं। तुम्हारा मिसकैरेज हुआ था निया, नहीं, यू नेवर हैड अ चाइल्ड। इस पे यकीन करो रॉनी। इधर है क्या? यस सर। यही हस्बैंड? जी सर। आप कौन? तेरा बुरा वक्त है ना, मुझे भी कई बार डाउट होता है शीशे में देख के, लेकिन मैं हूं पुलिस वाला। सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, सिवाय मेरे। यहां से गिरी थी तूने फेंका है? बोलना। अरे बस को टाइम क्या हुआ है? 3:40 सर। देख कितनी फटाफट जवाब दिया, अब तू भी बोल दे। अब बोलेगा यार, तोड़ूंगा तो बोलेगा। आई नीड टू टॉक टू माय लॉयर। व्हाट द हेल इज दिस? स्मार्टफोन लेके स्मार्ट बन रहा है? अभी तो फोन फेंका, तेरे को भी फेंक दूंगा। बैठ जा, बैठ जा, बता कैसे हुआ ये सब? मुझे नहीं पता, मैं 2 दिन पहले दुबई से आया था। बॉस को? यस सर। फ्लाइट की डिटेल्स निकाल दुबई की। जी सर। दुबई में क्या है? सेकंड ऑफिस है मेरा। सेकंड ऑफिस है वो जिसकी वजह से तूने अपनी बीवी को नीचे फेंका? जो चीज फाइंड आउट करनी है वो तो आप कर नहीं रहे। आई लॉस्ट माय वाइफ। तेरे पीछे से कौन कौन आता है? कोई नहीं आता। बॉस को? यस सर। पहला झूठ, इसका भाई आता है यहाँ पे, सनी। कहीं उसने तो नहीं किया? उसने किया हो सकता है। छोटा भाई है वो मेरा, बहुत सिंपल लड़का है। बॉस को दूसरा झूठ? यस सर। चर्सी है साला। ओके सर। पर चर्सी कभी सिंपल नहीं होते। देख भाई, अगर तूने या तेरे भाई ने किया है तो तुम दोनों भाइयों को सर यहाँ से नीचे फेंक देंगे। वाह बॉस को, और तू ना अभी जमीन पे सोने की आदत डाल, क्योंकि जेल में बिस्तर तो होते नहीं।
और एक बात तू कान खोल के सुन, अपना दिमाग, घर की घंटी और फोन ऑन रखना हमेशा, नहीं तो हमेशा के लिए ऑफ कर दूंगा तेरे को। मैं भी स्मार्ट बन रहा था। Let's go! क्या लगता है सर, सच बोल रहा है? मैं उसकी आंखों में झूठ ढूंढ रहा था। मिला? पूरा आदमी झूठा है, पर इसने नहीं मारा। मतलब सुसाइड का ओपन एंड शट केस? नहीं रे, ये केस जब तक शट होगा कई लोगों के 12 बजने वाले हैं। बॉस्को? यस सर। 12 के बाद क्या आता है? 13 सर। और 13 क्या होता है? 39 सर। नहीं रे, 13 शुरू। ये सीसीटीवी कैमरा तो काम नहीं करता होगा। चल रहा है सर। क्या बात कर रहा है, तो मंगाओ ना, देखते हैं इसने क्या देखा। ठीक है सर। सर, ये नया सलगांवकर का फोन है। ऐसा कर, इसको बॉस्को को दे और मुझे इसकी इनकमिंग कॉल, आउटगोइंग कॉल, व्हाट्सएप, स्नैपचैट, फेसबुक सब दे। एक विवाहित लड़की नेहा सलगांवकर ने 6 माले की बिल्डिंग से कूदकर अपनी जान दे दी। सूत्रों से पता चला है कि नेहा Shriya was everything for me. I need your help. पिछले 2 महीने में किसी ने मेरी मदद नहीं की है। I'm not selfish. I'm desperate, Ronnie. Please, Ronnie, मेरी बेटी को ढूंढने में मेरी मदद करोगे? अगर 4 साल बाद अचानक से फोन करके कहती कि कोई यहाँ मेरा यकीन नहीं करता, सबको लगता है कि मैं पागल हूँ, तो तुम भी शायद वही मान लेते ना। सूत्रों से पता चला है कि नेहा सलगांवकर किसी मानसिक संतुलन से जूझ रही थी। सर, ये नेहा मैडम की कॉल लिस्ट है। आखिरी कॉल किसी रणवीर प्रताप सिंह का था और उसका एड्रेस भी है सर। बॉस्को, वाह, सही है ना सर? तू लेके आया ना? हाँ सर। तो फिर मुझसे क्यों पूछ रहा है कि सही है कि नहीं? सॉरी सर। सॉरी सर का मतलब? पता नहीं सर। क्या पता नहीं है, ये सही है कि नहीं है? हाँ सर। तो पूछ क्यों रहा है? सॉरी सर। मैं मजाक कर रहा हूँ बॉस्को, प्लीज प्लीज, तू थोड़ा सेंसिटिव है यार। ये तू लेके आया ना, तो ये सही होगी, उसे हम मुजरिम को पकड़ भी लेंगे। जा भी तो। ओके सर। सर, ये रणवीर प्रताप सिंह को तो मैं जानता हूँ। कैसे? सर, नेहा के साथ आया था एक दिन, अपनी खुद की सेटिंग कर रहा था ये। तो इसकी सेटिंग में तेरा दिल क्यों टूट रहा है? सर, दिल नहीं तोड़ा, 2 दांत और 4 कबाट तोड़े इसने, हिसाब लेना इससे। सर, सीसीटीवी फुटेज मिली है लेकिन क्लियर नहीं आई सर। तो उसको चंडीगढ़ भेजो क्लियर करने के लिए, और मेरे डेस्क पे चाहिए फटाफट। सर, चल इस रणवीर प्रताप का भी हिसाब लेते हैं तेरे लिए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट की माने तो ये एक सुसाइड है और पुलिस ने भी इस बात की पुष्टि की है। लोगों की सनसनी फैल गई है और वो ये देखकर दंग रह गए हैं। सलाम सोल्जर। उस्मान, कल बात करता हूँ प्लीज। अरे सोल्जर, तू उस दिन गैराज आया, वो बच्चे का फोटो दिखाए ना, फोटो, उस दिन मैं तेरे को सच बोलता ना, शायद नया मैडम आज जिंदा होती। उस्मान, तू नेहा को कैसे जानता? मैं नया मैडम को नहीं जानता सोल्जर, पर मैं ये जानता ये सब लोग झूठ बोल रहे हैं। नेहा मैडम पागल नहीं थी, वो जो कुछ बोली एक एक बात सच है। कुछ टाइम पहले मैं सनी के अड्डे पे गया अपने नेक्स्ट डील का काम लेने, और उधर आदाब सनी भाई। आ गया लंगड़े? हाँ। ले रहा हूँ भाई। अगली डिलीवरी अंजुना, 18 नंबर। हाँ जी, ये तेरा। ओके, चल निकल, चल चल निकल। I told you, come when I call. You're 2 hours early. I have no place to keep her. Bring her. और फिर मैं उसको देखा। भाई, बच्चे। ये लंगड़े। अब मुंह चुप रख।
वरना हमेशा के लिए चुप कर दूंगा, समझा कि नहीं? मैं डर गया था सोल्जर, इसीलिए झूठ बोला, पर मेरे को क्या मालूम था मेरे झूठ की वजह से किसी की जान चली जाएगी। वो पागलों की तरह अपनी बेटी को ढूंढते रहे, सबके सामने चिल्लाते रहे, रोते रहे, किसी ने यकीन नहीं किया। मैं तेरी सजा का हकदार है सोल्जर, तेरे को जो करना है कर मेरे साथ, पर पहले बच्चे को बचाना बहुत जरूरी। रिया सिंधर? वो मेरे को नहीं मालूम, वो सनी बता सकता। सनी कहाँ मिलेगा? हाँ वो मेरे को मालूम। आदमी को मार दिया। हेलो तनवीर प्रताप सिंह। हु इज दिस? एलएसडी लोहा सिंह धुर, गोवा पुलिस। ये वो आदमी नहीं है जिसे मैं मिला था। कहाँ है? होटल सीकर। तो वहीं रुक, आई एम कमिंग टू सी यू। आ रहा हूं मैं, किससे बात कर रहा हूं? अरे कौन था? गोवा पुलिस। हाँ गोवा पुलिस, तो सनी। सब यूनिट्स को बोलो वहां पहुंचे।
लगता है तेरे को इस देश की सरहद और शहर की सड़क का फर्क बताना पड़ेगा। तेरे को होटल पे रुकने को बोला था ना? क्या करता मैं होटल में बैठ के रिया की मरने का इंतजार करता? जिस तरह नेहा ने कोर्ट की अपनी जान दी सिर्फ तुम लोगों की वजह से। नेहा की मौत के टाइम तो वहीं था ना? अबे तू कहां था जब उसकी बेटी गिरना हुई? अभी ज्यादा बोला ना तो लॉकअप में डाल के ऐसा पेलूंगा कि सारी हेकड़ी निकल जाएगी। जिन लोगों की सेफ्टी के लिए वर्दी में लेना तुम्हें वही पड़े सर्टेन इंजनों में और तुम्हारे वजह से क्रिमिनल तुम्हें घूम रहे। अरे ओ फौजी थोड़ा जोश कम रख, तूने मेरे एक अफसर के दो मुक्के क्या मार दिए? तुझे लगता है कि तू पूरी पुलिस फोर्स की ले लेगा? इतना तोड़ूंगा ना कि अकड़ नजाकत में बदल जाएगी। हमें कभी हाथ बांध के कभी लॉकअप में डाल के तू अपना जोर दिखा रहा है। बराबरी का मौका दे, तुझे फौज की ताकत दिखाता हूं। चल तेरी ये ख्वाहिश भी पूरी कर देते। कॉल रहे ही हो रहे हो। पुलिस के पास जज्बात का वक्त नहीं होता। मुजरिम को तो पकड़ने का वक्त है ना? मतलब सनी, जो इस किडनैपिंग के पीछे, उससे सवाल क्यों नहीं पूछा जा रहा? सबूत है मेरे पास। ये जो रोनी ने कहा सच है कि तुमने सनी के अड्डे पर रिया को देखा था? उस्मान, हाँ, घबराओ नहीं, कुछ नहीं होगा। हाँ, सब सच बताओ, तुमने क्या देखा था? साहब, मैं सनी के अड्डे पे गया, उधर मैं बच्ची को देखा। ओके, ठीक है, तो यही बात तुम कोर्ट में बताओगे? कोर्ट क्या लुंगी में ही बताएगा? अदालत में क्या यही बात बोलोगे? ठीक हाँ। है, इसको कोर्ट में लाने की जिम्मेदारी तुम्हारी। सनी को बुलाओ। तो ये है सनी। जी सर। देखता हूँ इसे। सर ये चर्सी गर्दुल्ला है, मैं इसको देखता हूँ। I'll handle it। मैं कर लूँगा। प्लीज। हेलो। सनी सलगांवकर। अब आप कहोगे? जो भी कहना सच कहना, सच के अलावा कुछ मत कहना। नहीं, वो सब पुराना हो गया यार, फिल्मों होता है वो सब। मैं सिर्फ एक सवाल पूछूंगा, सिर्फ एक। रिया कहाँ है? सनी कौन? रिया? रिया जी साहब को पता नहीं किसके साथ डील कर रहे हैं। वो तेरे भाई की बेटी, तेरी भतीजी, वो। ओ अच्छा रिया। हाँ, एक मिनट। रिया कहाँ हो तुम? पीछे वाले पॉकेट में मिल जाएगी, देख लियो ना। ये कोई तरीका है पूछने का? ठीक से पूछो, बताएगा। सनी, आराम से। एडिया जी, दम है क्या? पहले रिया कहाँ, ये बताओ। नहीं मालूम,
सनी सनी नहीं मानो मेरे को बता ना Don't move, sir. नीचे रख दे नहीं तो ठोक दूंगा साले। ए, मुझे मालूम था कि तुम लोग मुझे मार डालोगे और मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। कुछ नहीं मार दूंगा। तुम नहीं सकता रॉनी, जो हुआ अच्छा नहीं हुआ। सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल था। तुम्हें अपने गुस्से पे काबू रखना चाहिए। मुझे बदला चाहिए। पुलिस का काम बदला लेना नहीं है रॉनी, पुलिस का काम न्याय करना है। तुम कह रहे हो कि नेहा ने खुदकुशी इसलिए की क्योंकि वो अपने बच्चे को ढूंढ नहीं पाए। किसी को पड़ी नहीं थी। Nobody cares. सजी हुई दीवार देख रहे हो, हंसते मुस्कुराते चेहरे। मेरी दूसरी एनिवर्सरी थी। आई वॉज ड्राइविंग, एक्सीडेंट हुआ। हमारे बड़े भैया, मेरी बीवी, उसके पेट में 8 महीने का बच्चा, सब गुजर गए। अपनों को खोने का गम और अकेलापन खूब समझता हूं मैं। बहुत प्यार करते थे उससे। डैमिट, ये तुम्हारी जिंदगी है निया। जो मुझे मेरे डैड ने दी है। मैं उन्हें कॉलेज में मिली थी। ये उनकी आखिरी ख्वाहिश है। He's dying, रॉनी। हम शादी करने वाले थे। डैड का हाल देख के टूट गई थी। ना नहीं कह पाई। मेरे अलावा उनका कोई है भी नहीं रॉनी। शेखर, शेखर का क्या? 2 दिन में मेरी शेखर से शादी है। और मेरा क्या? I have to go. मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। भले ही मुझे माफ ना करो पर भूलने की कोशिश जरूर करना। गुड बाय रॉनी। साहब, फार्म हाउस के लिए कुछ सामान आया है। हाँ, रतन को दे दो। जी रतन, रतन, एक्सक्यूज मी। कुछ भेज रहा हूं, देख लेना। ओके। ओके, कंटिन्यू। सिर्फ सनी जानता था बच्ची कहां है। सर, मेरी शेखर से कोई दुश्मनी नहीं, लेकिन मैं जानता हूं उसे सच्चाई पता है। प्लीज जस्ट अरेस्ट हिम। आई प्रॉमिस यू सब कुछ क्लियर हो जाएगा। सिर्फ शक के बिला पे तो किसी को अरेस्ट नहीं कर सकते ना। हमारे पास सबूत भी नहीं है। सवाल, जिस लड़की को उसका 4 साल पुराना बॉयफ्रेंड याद है, उसकी हर याद याद है, वो ये कैसे बोल सकती कि उसकी बच्ची है ही नहीं? रॉनी, मैं तुम्हारी बात समझता हूं, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि कोई भी गलत कदम ऐसा नहीं उठाना जिससे तुम और ये केस दोनों उलझन में पड़ जाए। अगर कर्नल रंजीत वालिया यहां होता तो हम इसकी बात सुनते कि नहीं?
मैं नहीं जानता कि मेरे ही डिपार्टमेंट में कौन है जो उन लोगों से मिला हुआ है। एलएसडी, कुत्ते या कोई और? जस्ट गिव मी 12 आवर्स। इस केस को मैं किसी नतीजे पे पहुंचा के छोड़ूंगा। जस्ट हैव ट्रस्ट इन मी। बिरयानी के लिए नहीं जाने जाते। कुर्बानी के लिए भी जाने जाते। उस्मान, 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 कुछ भेज रहा हूं, देख। कहां है शेरगिल? अंजुना बॉर्डर के पीछे 10 हेक्टर जंगल में चट्टानों को चीरती हुई नदियां, उन नदियों के बीच में बंदूकों से लैस आदमी, इस पूरी फौज के बीचों बीच रहता है उस जंगल का शेरगिल। उनको कहना कि उनका शिपमेंट कल डॉक तक पहुंच जाएगा। बाय। कोई भी गलत कदम नहीं उठाना जिससे कि तुम और ये केस दोनों उलझन में पड़ जाए। जज्बाती हो रहे हो तुम, बहुत प्यार करते थे उससे। मैं नहीं जानता कि मेरे ही डिपार्टमेंट में कौन है जो उन लोगों से मिला हुआ है। शर्मिंदा हूँ मैं अपने ही लोगों से, तो समझो कि मैं कर्नल रंजीत वालिया ही हूँ। I'm with you. Just have trust in me. Listen, young man. Once a soldier will always be a soldier.
हर फौजी सरहद पे ही मरे ये कोई जरूरी तो नहीं है। आने उस साले को। साहब ऑफिसर, कैप्टन रणवीर का कुछ पता चला? अभी तो नहीं चला, पर हम लोग उसे ढूंढ रहे हैं। अगर हमारे हत्थे चढ़ गया तो समझो गया, लेकिन आप अगर उसे समझा सके तो शायद उसकी जान बच जाए। आप किसी गलतफहमी का शिकार हो गए ऑफिसर। मैं ना उसे समझाने आया हूं ना बचाने, मैं तुम लोगों को उससे बचाने आया हूं। जंगल जो है ना उसका घर है, और अगर तुम लोग अंदर गए तो वो जहन्नम बना देगा। इस जंग में उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा और तुम्हारा कुछ बचेगा नहीं। वो अकेला एक फौज के बराबर है। ये बड़ा टेक किया। अब कुछ मेरे भी सुनते जाइए कर्नल साहब, मैं वादा करता हूं पहली गोली मैं ही चलाऊंगा। ऑल द बेस्ट। Yeah.
शेरगिल, कम इन फॉर शेरगिल। Get the machines. फोन कमेंट कोई जवाब क्यों नहीं दे रहा है? हाँ हेलो कमेंट शेयर के लिया माउस के अंदर आ गया है।
मेरे बड़े भैया कहते थे यार, बहुत कहते थे, ठोक ही दिया मैंने, मना किया था ना तुझे, मना किया था ना, ज्यादा क्या, रिया जिंदा है और रिया रिया अब पूछेगा कि मैं क्या चाहता हूं, भारती की नौकरी कर करके थक चुका था मैं, मुझे उसे एक मौका चाहिए था पैसे कमाने के लिए और मुझे मिला रिया के रूप में। सनी, सनी, अरे डिया जी साहब आज फ्री हो गया था, आ गया, कोई प्रॉब्लम? प्रॉब्लम कैसी बात कर रहे हो सर, मालका है इस अंक का तंपियो, ठीक है, तीन दिन में डिलीवर करो। ओके सर। ये आवाज क्या थी? सर, डोंट शूट मी। असली बात तो तब पता चली जब मैं सनी को शेखर से मिलाने लेके गया। ये तेरा भाई? एक काम दिया था वो भी ठीक से नहीं कर पाया था। मतलब? मतलब ये कि अब तक जो कुछ भी हुआ वो मेरे कहने पर हुआ। तेरे कहने पे? पैसा कम हो तो पेट नहीं भरता, और ज्यादा हो तो सारा दिल नहीं भरता, और मेरा दिल बहुत बड़ा है यार, इतना बड़ा। देख तू बच्चे के साथ क्या करता है, मुझे सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अब तो मेरे इंटरेस्ट की बात सुन। मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा कंसाइनमेंट आने वाला था और शेखर शिपिंग कंपनी का मालिक निकला, और सिर्फ शेखर ही उसे क्लियर करवा सकता था। इतना माल तो बड़े कैरियर में ही छिपकर आ सकता है, अगला आने में कम से कम 2 महीने लगेंगे। ठीक है, मैं 2 महीने रुकता हूं, तब तक तेरी बच्ची मेरे पास जिंदा, वादा। तो मेरा काम कर, मैं तेरा काम करूंगा, लेकिन कुछ भी गड़बड़ हुई तो तुम दोनों भाई सलगांवकर बंधु
जेल में सड़ते रहोगे जिंदगी भर, वादा। नफरत करता था वो अपनी बीवी से, पागल बनाना चाहता था उससे। वो किडनैपिंग थोड़ी की थी लिया की, वो तो उसका मर्डर करना चाहता था। रिया का है। कौन रिया? मैं नहीं मारना चाहता था रिया को, शेखर चाहता था। शेखर रिया की हर निशानी को मिटाना चाहता था। डॉक्टर्स ने कहा है कि नेहा हमारी बेटी की लॉस को बर्दाश्त नहीं कर पाएगी और हमें ये मेंटेन करना होगा कि हमारी कोई बेटी नहीं। अपनी बेटी को तो खो चुका हूँ, अब वाइफ को नहीं खोना चाहता। शेखर लेकिन ये गलत बात है। आपका एक छोटा सा झूठ मेरी फैमिली बचा सकता है। प्लीज हेल्प मी, आई कांट लिव विदाउट माय नो, आई कांट लिव विदाउट माय नो। ओके ओके मिस्टर सलगांवकर, हम आपके साथ हैं। उसने मेरी मदद की, फिर मैंने उसकी मदद की। और नाइजीरियंस के विकेट गिराने का एक्स्ट्रा लगेगा। गिरा देना, नहीं तो तुझे गिरा दूंगा। स्कूल की वेलफेयर के लिए। थैंक यू मैम। थैंक यू। हाँ खोल खोल, हो गया। चल कुत्ते। यस सर। ये केस बंद कर दो, इसका कुछ नहीं हो रहा। आप पूछो सर, मैं बात कर रहा हूँ। अच्छे से बता दे, इनका तरीका अलग है। हौसला से घर निकल, हौसला से घर निकल। चुप। हमारे रास्ते में जोश आया, उसको मैं खत्म करता चला गया। हर जंग सिर्फ ताकत से नहीं, दिमाग से जीती जाती है। तूने सब कुछ सही किया शेरगिल, लेकिन बच्ची गलत चली। Shriya was everything for me. I need your help. They kidnapped my daughter. अपनी आंखें बंद करो और देखो कौन दिखता है तुम्हें। रिया। पीछे पीछे पीछे। गोवा क्लीन सर। Safe flight. No, sir. I know that, son. The war is over. क्या बिगाड़ा ले आ रहे? I know that, बच्चे. मासूम बच्ची रिया, सर. पहली गोली ना सही करूं साहब, आखिरी गोली तो मार ही दी। कैसे निकल सकता है यार, हैं? 3 साल की बच्ची, वो भी अपनी। अब बता। मिस्टर शेखर, नेहा के सब रिपोर्ट्स नॉर्मल है, बट शी कांट हैव योर चाइल्ड। व्हाई? व्हाट हैपेंड? तुम्हारे रिपोर्ट्स, आई मीन तुम स्टेराइल हो। नहीं 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 डॉक्टर, आपको गलतफहमी हुई है। I have a daughter. That's not possible. वो शायद तुम्हारी बेटी नहीं है। मेरी बेटी नहीं थी वो, किसी और का पाप थी जिसे मैं पाल रहा था।
अब तुम समझे कि नेहा क्यों चाहती थी कि सिर्फ तुम रिया को ढूंढो। रोनी, हमारा रिश्ता मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत पहलू है जो सिर्फ अब याद बन के रह गया है। उसके बाद रिया वॉज एवरीथिंग फॉर मी। भले ही मुझे माफ ना करो पर भूलने की कोशिश जरूर करना। चल बॉस्को, गाड़ी निकाल।